अरुणाचल प्रदेश में चीन की नापाक मंसूबों का एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है। दरअसल वर्ष 2016 में एक पर्यटक वीजा पर एक सिंगापुरी नागरिक की अरुणाचल प्रदेश की यात्रा अब गृह मंत्रालय की जांच के दायरे में आ गई है। ये व्यक्ति सिंगापुर का नागरिक बनके अरुणाचल प्रदेश आया हुआ था, लेकिन वो असल में चीन का एक जासूस था जो अरुणाचल प्रदेश की यात्रा पर आया था। सूत्रों के अनुसार पिछले साल गृह मंत्रालय ने उसकी यात्रा पर सवाल भी उठाए थे और अरुणाचल प्रदेश सरकार को एक पत्र भी लिखा था, जिसमें यात्रा की सुविधा देने वाले टूर ऑपरेटर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई थी। वहीं सिंगापुर का पासपोर्ट रखने वाले व्यक्ति पर्यटक वीजा पर अकेले अरुणाचल प्रदेश आया हुआ था और उसने राज्य के विभिन्न हिस्सों का दौरा भी किया था। प्रोटेक्टेड एरिया परमिट प्राप्त करने के साथ साथ उसने यात्रा को राज्य के एक स्थानीय टूर ऑपरेटर के द्वारा किया था। बाद में इस व्यक्ति द्वारा अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न स्थलों के बारे में विस्तार से एक पुस्तक लिखने के बाद इस यात्रा पर संदेह पैदा हो गया। वहीं एक अधिकारी ने ऐसा कहा कि गृह मंत्रालय ने विस्तृत बैकग्राउंड की जांच की तो पाया कि वो एक चीनी एजेंट है जो चीन की सरकार के लिए काम कर रहा है। इसे देखते हुए अरुणाचल प्रदेश सरकार को इस मामले की जांच करने के लिए और टूर ऑपरेटर के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए एक नोटिस भी जारी किया गया था। गृह मंत्रालय के निर्देश के आधार पर अरुणाचल सरकार ने घटना की जांच के लिए भूमि प्रबंधन सचिव पंकज कुमार झा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन भी किया हुआ था। इस बीच पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि वे जांच समिति की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ऐसा भी कहा कि खामियों के लिए केवल टूर ऑपरेटरों को दोष देना अनुचित होगा। वहीं विभाग के एक और अधिकारी ने कहा, ऊपर से ही चूक हुई है, वीजा जारी करने के लिए जिम्मेदार लोगों को भी उसे भारत में प्रवेश करने की अनुमति देने से पहले उचित बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करनी चाहिए थी। अकेले टूर ऑपरेटर को इसके लिए दोषी ठहराए जाना उचित नहीं होगा। ये मुद्दा राज्य में पर्यटन उद्योग को भी प्रभावित कर रहा है। कथित तौर पर इस विवाद के कारण राज्य सरकार ने अभी तक विदेशी पर्यटकों को PAP जारी करना शुरू नहीं किया है। भारत आने वाले 27 मार्च से निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को फिर से शुरू करने की तैयारी कर रहा है और अरुणाचल प्रदेश के टूर ऑपरेटर उत्सुकता से सरकार द्वारा PAP जारी करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहीं ईटानगर के एक स्थानीय टूर ऑपरेटर ने कहा, कोविड ने हमारी आजीविका को नष्ट कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की बहाली हमें कुछ गति हासिल करने का अवसर प्रदान करती है, लेकिन अब चीन के इस जासूसी मामले के चलते सरकार PAP जारी नहीं कर रही है। ये अनुचित है, जांच जारी रहने दें और इस बीच सरकार को PAP जारी करना शुरू कर देना चाहिए। आपको बता दें कि अरुणाचल पर्यटन विभाग द्वारा PAP केवल राज्य के स्थानीय टूर ऑपरेटर को ही जारी किया जाता है जिनके पास वैध लाइसेंस होते हैं। मगर अब चीनी जासूस के अरुणाचल में यात्रा करने से खलबली मच गई है और जानने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर वो अरुणाचल प्रदेश की यात्रा पर क्या करने आया था और चीनी जासूस का अरुणाचल प्रदेश के साथ क्या कनेक्शन है। आप इस पूरे खबर को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में आएँ, आपकी राय को हमारे साथ अवश्य शेयर करें। और अधिक खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए ईस्ट न्यूज़। हमारे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पेज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को हमारा धन्यवाद। Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.